नमस्कार आदाब, मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और एक अच्छी खबर है करीना कपूर के जितने भी फैंस हैं उनके लिए। बहुत अच्छी खबर आ रही है कि करीना कपूर दूसरी बार मां बनने जा रही हैं। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री के जो नजदीकी उनके मित्र हैं, दोस्त हैं, जानने वाले हैं, परिवार के जो लोग हैं, उन्हें पहले से ही पता था कि वो सेकेंड टाइम एक्सपेक्ट कर रही हैं। लेकिन अब ये पब्लिक डोमेन पे बात आ गई है, पीपिंग मून के हवाले से खबर आई है कि करीना कपूर इज प्रेग्नेंट और शायद इस साल के एंड में वो बच्चे को जन्म दें। और उसके आगे ये भी खबर है कि वो बहुत जल्द से जल्द लाल सिंह चड्ढा जो फिल्म आमिर खान के साथ कर रही हैं उसको बहुत जल्द निपटाना चाहती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी का वक्त नजदीक आ रहा है, डिलीवरी का वक्त नजदीक आ रहा है। ये खबर आई है और एक अच्छी खबर है। इतने सारे माहौल में, ऐसे अजीबोगरीब माहौल में एक खुशखबरी करीना कपूर के फैंस के लिए। 2012 में सैफ अली खान ने करीना कपूर से शादी करी थी और 2016 में तैमूर का जन्म हुआ था। और तैमूर पेपराजी के फेवरेट हैं, हम सब जानते हैं, उनके एक एक फोटो को इतने लाइक्स मिलते हैं, लोग इतना पसंद करते हैं। और अब सैफ और करीना के परिवार में इब्राहिम और सारा के अलावा जो तैमूर और तैमूर के बाद अब चौथे बच्चे का आगमन होने वाला है। हम बॉलीवुड हेल्पलाइन की टीम करीना कपूर को, सैफ को और उनके पूरे परिवार को बधाई देती है और चाहती है कि उनके जीवन में सब शुभ मंगल हो और जल्द से जल्द हमें वो कोई अच्छी खुशखबर सुनाएं। उम्मीद करेंगे कि सब कुछ साथ खैरियत के निपट जाए। अल्लाह।